नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अपने बयानों को लेकर कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल भी कर चुके हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने 23 जून की देर शाम यूट्यूब पर एक ओपिनियन वीडियो डाला। 6 मिनट 28 सेकंड के इस वीडियो में कुणाल कामरा ने भारत में कोरोना वायरस से हुई मौतों और बद इंतजामी को लेकर पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए। कुणाल ने कहा कि पीएम मोदी कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन ढोल पीट रहे हैं कि सब ठीक है। वीडियो में कुणाल कामरा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जनवरी 2021 में कोरोना वायरस को हरा दिया। कुणाल ने पीएम के उस भाषण का जिक्र किया है जिसमें मोदी कहते हैं कि देश ने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण करके पूरी दुनिया को, मानवता को बड़ी त्रासदी से बचाया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस वीडियो को ट्वीट किया है। कुणाल ने मोदी सरकार को कुंभ मेले को लेकर भी घेरा। वीडियो में कुणाल ने कहा कि मोदी सरकार ने कुंभ मेले को रद्द करने के बजाय मेले को बढ़ावा दिया। साथ ही गंगा नदी के किनारे शवों को दफनाए जाने पर भी कामरा ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पीएम मोदी के भारत को दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले बयान पर कुणाल ने कहा कि दूसरों को वैक्सीन बांटी, लेकिन अपनों को क्या हुआ? लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ दिया। स्टैंड अप कॉमेडियन ने आगे कहा कि मोदी सरकार आलोचना करने वालों को जेल भिजवा रही है। कोरोना वायरस पर मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना वाले ट्वीट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। कामरा यही नहीं रुके, उन्होंने चुनाव को लेकर भी पीएम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए अपना वोट मायने रखता है, आपकी जिंदगी नहीं। कुणाल कामरा ने जब ये वीडियो ट्वीट किया, उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। वो कुणाल के इस वीडियो की सराहना कर रहे हैं तो कोई उन्हें भला बुरा कह रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने ट्वीट किया है कि मोदी की भक्ति देशभक्ति नहीं है, मोदी भारत नहीं है कि भक्त, #WeLoveModi चला रहे हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा है कि कुणाल कामरा का न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए शो करना टाइम्स के मानक को दिखाता है। अगर कोई मोदी विरोधी है तो उसे लिखने को मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अब तक 30 करोड़ से अधिक टीकाकरण कर चुका है। एक यूजर ने तो रिपोर्टर को गधे के साथ बातचीत करते हुए एक तस्वीर ट्वीट करते हुए ये लिख दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर के साथ कुणाल कामरा की लीक्ड तस्वीरें देखिए। वहीं कुश सरीन नाम के एक यूजर ने ये ट्वीट किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स कुणाल कामरा और उसकी राय को क्यों जगह दे रहा है। कुणाल ने भारत के लिए रोने, शिकायत करने और अपनी बात रखने के अलावा क्या किया है? क्या उसने इस मुश्किल वक्त में किसी की मदद करने की कोशिश की है? ये पहली बार नहीं है कि कामरा ने सरकार पर निशाना साधा है। इससे पहले भी कुणाल कामरा अपने शो के दौरान सरकार पर तंज कसते रहे हैं। उसके बाद लोगों ने कामरा को जमकर ट्रोल भी किया। खैर, कुणाल ने जब से ये वीडियो ट्वीट किया है तब से ट्विटर पर यूजर्स के दो गुट बन गए हैं। कोई इनकी बातों की सराहना कर रहा है तो कोई किसी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी राय रखने के लिए कुणाल को क्यों जगह दी है। ये थी आज की हमारी स्टोरी। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी। इससे पहले बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप किसी भी बड़ी खबर से बेखबर ना रहे।